नटराज आर्ट्स एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पता मशरफ बाजार टावर चौक दरभंगा। यहाँ हर एक प्रकार की डांस सिखाई जाती है, जैसे क्लासिकल डांस, फोक डांस एंड वेस्टर्न डांस, और यहाँ म्यूजिक और पेंटिंग भी सिखाई जाती है। संपर्क करें मशरफ बाजार ICICI ATM के सामने दरभंगा। सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पता BMP 13 सोलजी रोड दरभंगा, एवं दूसरा पता सत्संग नगर भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। यहाँ कंप्यूटर क्लास, चांसलर, डांस, म्यूजिक, खेल, ट्रांसपोर्ट, पीने के पानी और CCTV कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित सुविधा है। संपर्क करें फर्स्ट ब्रांच BMP 13 सोलजी रोड और सेकेंड ब्रांच भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। न्यू खुशबू फैंसी फर्नीचर हाउस, कुशल कारीगरों द्वारा यहाँ बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, मिड केस, अलना, टेबल, कुर्सी उपलब्ध है। यहाँ अपने पसंद की फर्नीचर भी बनवा सकते हैं। घर के खिड़की हो या दरवाजा, फर्नीचर के सभी तरह के लकड़ी उपलब्ध है। यहाँ भाड़े पर बोलेरो स्कॉर्पियो भी मिलता है। संपर्क करें पंडा सराय गुमती नंबर 18 के निकट लहरिया सराय दरभंगा। दीपों का पर्व, दीपावली, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा और आस्था के सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व के अवसर पर होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से पूरे मिथिलावासी सभी अभिभावक, प्रशासन के अधिकारीगण, हमारे मीडिया के बंधुओं, सभी स्कूलों बच्चों, सभी को सभी पर्व के अवसर पर ढेर सारी शुभकामना, साथ मैं पर्व का बधाई भी देता हूँ। आशा करता हूँ कि भगवान इन लोगों के जीवन में खुशियाँ लाएँ, स्वस्थ रहें, खास करके छोटे मुन्ने बच्चों से आग्रह करूंगा कि जो भी लोग बच्चे पटाखे यूज करें, वो अपना जान, आँख, दूसरे को भी ख्याल करके इंजॉय करें। मैं पुनः इन सभी पर्वों के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। दीपावली एवं छठ के पावन अवसर पर हम संपूर्ण मिथिलांचल वासियों समेत बिहार वासियों को एवं हिंदुस्तान के निवासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और आपको ज्ञात होगा कि यह दीपावली का जो पर्व है, जब रामचंद्र जी हमारे जो पूजनीय थे, जब वो वन से लौटे, 14 वर्षों की वन से जब वापस वो लौटे थे, तब नगर के लोगों ने उनके स्वागत हेतु जो तैयारी की थी, उसमें दीप प्रज्वलित कर लोगों ने उनका स्वागत किया था और लोग खुशी मनाए थे। उसी दिन से अभी तक लगातार जो है, अभी तक दीपावली का जो है सो पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से, बल्कि विदेशों में भी जहां भारतीय लोग निवास करते हैं वहां भी यह पर्व मनाया जाता है। और ठीक 6 दिन के बाद हम लोगों का महान पर्व छठ, खास करके बिहार, यूपी, बिहार के वासी किसी अन्य राज्यों में हैं या विदेशों में भी हैं, वहाँ भी छठ का आस्था का पर्व ये संपूर्ण बिहारवासी, यूपीवासी और भी कुछ प्रदेश के लोग, सभी लोग मनाते हैं। और इस अवसर पर, इस शुभ घड़ी में हम तमाम देश के वासियों को, मिथिलांचल वासियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं।
दरभंगा के पंडासराय स्थित होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में रंगोली बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। शनिवार को आयोजित इस रंगोली प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। इस रंगोली बनाओ प्रतियोगिता में बॉय एवं गर्ल्स ने भी भाग लिया। सबसे बड़ी इस रंगोली बनाओ प्रतियोगिता की रही कि बच्चों ने एक से एक रंगोली अपने प्रदर्शन को लोगों ने देखा और विद्यालय का नाम बढ़ा। I think it will be best only because we had performed very nice. So. Hey. Rangoli pratiyogita kya lag raha hai? Nahi, humko to ye bahut acha lag raha hai. Apna jo bhi ability hai usse kar dikhane ka mauka mil raha hai. Name? Mera naam Aman Kumar hai. Flash? Flash 5. Very pleased to make this rangoli competition. It is held in our school, so we are very happy. It is not related that we are winning or not. It is important that we have participated in this. It is not necessary that we will win only. That it is everybody is telling, oh my God, this is not. I will not do this. So everybody is going there, but we are not going. We are trying to do, but we are participating in that. We are making a world where we don't have to protect in our environment. Everybody is telling where we should protect our environment or we should help in our environment. But we have to show in our Rangoli that we don't have to protect environment. We will make a world where we don't have to protect environment. That's all. Thank you. This wonderful experience for us. Just a wonderful experience. First time ever. Greetings on behalf of Holy Mary International School for Diwali and Chhat celebrations. We have celebrated Diwali and we are going to celebrate Chhat. On behalf of this, we have conducted Rangoli competition in which 111 teams participated and we are seeing the happiness of the children. So this is the first step that we have taken to showcase the creativity of students. So the students' activeness, enthusiasm shows that we are not different. We are all in one. In Rangoli itself, there are not many colors. The same way, students are from different families. Still, we have a unity among ourselves. The message of this Rangoli competition is that unity and diversity. All of us are one of kind. We are of one family. Thank you. स्कूल परिसर में रंगोली का कार्यक्रम बच्चे लोगों को भी आयोजित किया गया है। बच्चे एक पर एक अपना प्रतिभागी जलवा दिखाए हैं, देखे हैं कि अच्छे से अच्छे रंगोली बनाया। बच्चे में कुछ न कुछ अपना एक अंदर से ज्ञान होता है, किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है, चाहे वो खेलकूद हो या कोई कंपटीशन हो, सिंगिंग कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो। बहुत देखे होंगे पढ़ाई में भी बहुत बच्चे टॉपअप करते हैं। हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ते हैं और अपना जलवा दिखाते हैं। तो मेरा शुभकामना है इन सब बच्चों को, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ करके एक अच्छा नागरिक बने, अपना राष्ट्र का सेवा कर सके, अपना समाज का सेवा कर सके। ये मेरा शुभकामना है। और अभी पर्वों का दिन चल रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से हिंदू के सबसे बड़ा पर्व आस्था का पर्व छठ पर्व पर सभी
लोगों को, सभी अभिभावक को, आप लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। और मैं भगवान से विनती करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। धन्यवाद। अब मधुबनी के युवाओं को महंगे जिम की फीस नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि जिले में हाई क्लास जिम के अलावा सभी अनुमंडल में सरकारी जिम खोले जाएंगे। साथ ही जरूरत के अनुसार सरकार ओपन जिम भी खोलने का योजना बना रहा है। यह कहना है मधुबनी जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक का। मधुबनी के जिला पदाधिकारी एक निजी जिम पहुंचे थे, जहां पहली बार जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन राहुल कुमार ने किया था और मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक पहुंचे थे। कार्यक्रम में भाजपा MLC सुमन कुमार महासेठ एवं रेखा प्रखंड विकास पदाधिकारी और टॉपर प्वाइंट के डायरेक्टर शर्मन पूर्वे भी अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। इस मौके पर जिला पदाधिकारी ने सभी विजय प्रतिभागियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा जिम स्वास्थ्य शरीर के लिए जरूरत है, साथ ही जिम आदमी को फिट एवं स्वस्थ रखता है। आदमी स्वस्थ तो समाज स्वस्थ हो रहता है। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बताया कि जिला के सभी अनुमंडल में 10 लाख की लागत से एक सरकारी जिम खोले जाएंगे एवं जिला के वाटसन स्कूल में एक बढ़िया जिम खोला जाएगा, जिसमें जिम के सभी सामान के साथ साथ स्विमिंग का भी व्यवस्था रहेगा। उन्होंने बताया इसके लिए DPR बनाकर तैयार है। सरकारी योजनाओं के तहत कुछ जगहों पर 5 लाख की लागत से ओपन जिम भी खोला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा स्टेडियम का भी जीर्णोद्धार करने का योजना तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम का विवाद जल्द ही समाप्त हो जाएगा और एक बार फिर से मधुबनी में स्टेडियम को सुसज्जित कर युवाओं के लिए खोल दिया जाएगा। आयोजकों ने आपको जो मौका दिया है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस फील्ड से रुचि जरूर है, परंतु देख रहा था कि मधुबनी में जो फैसिलिटीज है उनका अभाव काफी था। सौरभ जी ने जो पहल की है, राहुल जी ने जो पहल की है ये सराहनीय है। इस तरह की जो जिम फैसिलिटी है ये इस शहर में, जो कि एक जिले का शहर है, जिले का मुख्यालय है, उसमें होना बहुत आवश्यक था। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो मधुबनी के जो यूथ है ये जरूर जिम करने को आएंगे, अपनी बॉडी बनाएंगे। दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के बरहमपुर गांव में बीती रात 15 से 20 की संख्या में हथियार के साथ डकैतों ने भुवनेश्वर ठाकुर के घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घर में रखे लाखों की कीमती जेवरात के साथ नगद रुपए साथ ले गए। विरोध करने पर घर के 4 सदस्यों के साथ मारपीट करते हुए घर के बाहर दरवाजे पर बम फोड़ते हुए दहशत फैलाते भाग गया। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। पश्चिमी से हमारे यहाँ रात के 11:40 में 15-20 की संख्या में डकैत आया, हमारे साथ मारपीट किया, प्लस घर में जेवर रखा हुआ था 40 भरी चांदी, 2 भरी सोना था ये सब, और 2 भरी और सोना था, कुल चांदी 40 भरी, कुल सोना 4 भरी लेके चला गया। मारपीट करने के बाद उसके बाद मेन गेट दरवाजे पे एक बम भी फोड़ा। जी हटाना
ये भुवनेश्वर ठाकुर है ब्रह्मपुर कमतौल में। रात्रि में इनके घर कुछ अपराधी आए हैं और उनके घर में लूटपाट किए, इसमें 2 भर सोना और 10 भर चांदी और 8,000 रुपए नग ले जाने की बात बता रहे हैं। अभी जो अनुसंधान में कुछ साक्ष्य है, सुराग भी मिले हैं अपराधियों के, तो हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और उनके दुकान की चाबी भी ले गए थे, लेकिन तत्काल पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके कारण आगे ये लूटपाट नहीं कर। पेंच सदर एसोसिएशन के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें पेंच सदर एसोसिएशन के राज्य उपाध्यक्ष राम स्वार्थ सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार सरकार के द्वारा सिर्फ 1% महंगाई भत्ता दीपावली के तोहफा के नाम पर घोषणा कर मीडिया में वाहवाही लूटना पेंशनरों के साथ मजाक है। पेंशनर एसोसिएशन इसका विरोध करता है, जबकि पेंशनरों की 1,000 चिकित्सा भत्ता 1 जनवरी 2006 से ग्रेड पे जोड़कर पेंशन निर्धारण, गंभीर बीमारी के हालात में संपूर्ण मुक्त चिकित्सा, 7वां वेतन आयोग के सिफारिश के लाभकारी अनुशंसा को लागू करने, पेंशन वृद्धि की उम्र सीमा 80 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने, सभी वरिष्ठ नागरिकों को कम से कम 3,000 रुपया पेंशन दिया जाना एवं अन्य सभी मांग पर विचार नहीं किया गया। पेंशन एसोसिएशन इन मांगों के समर्थन में 31 अक्टूबर 2017 को सभी जिला मुख्यालय में प्रतिवाद मार्च और धरना करेगा। बिहार सरकार दीपावली के अवसर पर पेंशनरों को 1% महंगाई भत्ता देकर और मीडिया के माध्यम से कि दीपावली का तोहफा हम देने जा रहे हैं, काफ़ी वाहवाही लूटने का प्रयास किया है, जिसका पेंशनर एसोसिएशन बिहार खंडन करती है और सरकार से मांग करती है कि हमारा जो पूर्व का मांग है कि सभी पेंशनरों को 3,000 रुपया कम से कम पेंशन होना चाहिए, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। पेंशनरों का जो पेंशन वृद्धि का उम्र सीमा है 80 वर्ष, उसको घटा के 65 वर्ष किया जाना चाहिए, 1,000 रुपये प्रतिमाह मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए और गंभीर बीमारी की हालत में संपूर्ण मुफ्त चिकित्सा लाभ पेंशनरों को मिलना चाहिए। पेंशनर एसोसिएशन बिहार सरकार के समक्ष, सभी जिला के मुख्यालय में कलेक्टर के समक्ष पेंशनर एसोसिएशन का एक धरना आयोजन किया गया है, जो 31 अक्टूबर 2017 को होगा और धरना प्रतिवाद मार्च के माध्यम से सभी कलेक्टर को मांग संलेख समर्पित किया जाएगा। मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक निजी नर्सिंग होम में बच्चा बदलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय के सामने संचालित भगवती स्वास्थ्य सेवा सदन में बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। बता दें कि कई बार इस नर्सिंग होम में कुछ न कुछ आरोप लगता आ रहा है। परिजनों के अनुसार कल दिन के 3 बजे बच्चा का जन्म हुआ। नर्स के द्वारा जानकारी दी गई कि आपको बेटा हुआ है। परिजनों ने खुशी मनाया, खूब मिठाई बांटे, पर रात तकरीबन 11 बजे दोबारा जानकारी दी गई कि आपको लड़का नहीं लड़की हुई है, इसे ले जाइए, जिसको लेकर परिजन और डॉक्टरों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। मामला मारपीट तक जा पहुंचा, संचालक द्वारा मारपीट किया गया और परिजनों के द्वारा बच्चे का डीएनए जांच कराने की मांग की जा रही है। धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगा और मौके पर पहुंचे झंझारपुर थाना पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। वहीं नर्सिंग होम के संचालक रणधीर कुमार का कहना है कि बच्चे की अदला बदली नहीं की गई, परिजन अगर चाहे तो डीएनए जांच कर
संतुष्टि कर सकते हैं, मारपीट भी नहीं किया गया, ये आरोप गलत लगा रहे हैं। बता दें कि झंझारपुर में आए दिन निजी नर्सिंग होम में कभी बच्चे तो कभी जच्चे की मौत, तो कभी बच्चे बदलने की मामला सामने आता है, तो कभी बच्चे चोरी की घटना भी लगातार सामने आ रहा है। इससे प्रशासन इस सब पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। फिलहाल सभी मामले की जांच चल रही है। मधुबनी से राजकुमार झा की रिपोर्ट। बच्चा और पेशेंट दोनों यहां पर है, उसका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, अगर उसमें कोई गलती होगा तो मेरे ऊपर एफआईआर करवा दीजिएगा, जो दंड दीजिएगा हम वो भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर गलती मेरा नहीं होगा तो जो बोल रहा है उस पर उसका एफआईआर करवा दीजिएगा और जो उसका पनिशमेंट है उसको दीजिएगा। परजन का आरोप है उसकी वजह से जश्न मनाया है, मिठाई वगैरह गलत बोल रहा है, कोई गलत जी नहीं, बच्चा यहाँ से निकला है, यहाँ दिखाया गया है, ऊपर में जाके बच्चा डॉक्टर भी दिखाया मरीज के आदमी को, जो तुम्हारा बच्चा लड़की है, पैखाना रास्ता दिक्कत है थोड़ा सा, इसका तुमको बाद में इलाज कराना होगा। लड़की का विरोध करने पर क्या लगता है सर, बच्चा बदलने का आरोप लगा है नर्सिंग होम पे? प्रथम दृष्टया तो इसकी जांच की जा रही है, प्रथम दृष्टया ऐसा सही नहीं लग रहा। फिर और लोग आ गए और अब आ गए तो फिर नया, फिर अब जैसे लोग आते जा रहे हैं धीरे धीरे तो नई नई बातें आ रही हैं। दरभंगा जिले के जाले में साइबर अपराधियों ने जोगियारा गांव निवासी ललन दास को बैंक, टीवी व रुपए का लालच देकर विभिन्न बैंकों के माध्यम से साइबर अपराधियों ने अपने बैंक अकाउंट में 37,000 रुपए की ठग लिया। शुक्रवार को जब वह जोगियारा माजरा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में 25,000 रुपए चीटर के अकाउंट में डाल इनाम की राशि मांग किया तो उन्होंने पुनः उसे इतनी राशि जमा करने को कहा, तब उसने ठगे जाने की जानकारी हुई। उसने यह आशय का आवेदन जाले थाना उमेश कुमार को दिया। मौके पर मौजूद एएसपी दिलनवाज अहमद ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक को फोन कर उसके रुपए चीटर के अकाउंट में जाने से रोका। वहीं एसबीआई जाले शाखा प्रबंधक को उक्त चीटर के बैंक अकाउंट को तुरंत फ्रीज करने का निर्देश दिया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिसिया पर कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया है। सर हमारे साथ कल खुरमा जो फोन किया उधर से कस्टमर, बोला कि कस्टमर बोल रहे हैं, हम बोले ठीक है, उसमें मैसेज था कि 50,000 रुपया मोटरसाइकिल एवं घड़ी अभी टीवी, बोला कि टीवी जो है आपको देंगे, हम लालच में आ गए। पहले बोला कि 500 की रिचार्ज करवा दो, रिचार्ज करवा दिए, उसके बाद बोला कि अब जो है इतना पैसा 14,650 रुपया तुमको देना होगा, तो जो है 50,000 रुपया जाएगा कल बोला, और एक मोटरसाइकिल ग्लोमर गाड़ी जाएगा और LCD जाएगा, तुम्हारे टीवी वो जाएगा तुम्हारे पास आज 2 घंटा के अंदर में, और क्रिया खा के बोला। उसके बाद ये वो नंबर दिया है कि DSP है मुजफ्फरपुर का, कि उसका भी नंबर मेरे पास में है, वो नंबर बोला कि उससे बात कर। कितना पैसा ठगाया कल खुलवा? 500 रुपया पहले इजी में ठगाए, 14,650 रुपया उस अकाउंट में भेजिए। कौन में अकाउंट में, किस कहाँ से? जो गया जाले स्टेट बैंक से। और दूसरा पैसा? और दूसरा पैसा आज दिए हैं मजरा बड़ौदा बैंक से। कितना? 22,700 रुपया। और कुल कितना पैसा ठगाए? तो कुल हो गया आपको 37,700 कुछ रुपया हो रहा है सर। तो आपका ठग गया है जी सर, तो आप आए हैं यहाँ पुलिस स्टेशन? पुलिस तो हमारा जो निर्वाह सर लोग कर दिए हैं, पैसा बच गया। ठीक, ये ललन कुमार दास जो 11 का थाना पर सूचना दिया था, किसको इनाम के लालच में 37,000 कुछ रुपए से 2 दिन किसी फ्रॉड के द्वारा ठगी कर लिए गए थे, मोबाइल कॉल करके दिए। जैसे ही थाने पर सूचना मिली, तत्काल इसका संबंधित बैंक से संपर्क करके उस अकाउंट में पैसे जाने से रोका गया और अकाउंट को फ्रीज करवाया गया। तो इसका 22,700 जो आज इसने जमा किया था वो पैसे बच गया, कल जो 14,000 जमा किया था उसमें 5,000 रुपये इसके अकाउंट में बचे हुए फ्रॉड के अकाउंट, उसको भी फ्रीज कराया गया। प्राथमिकी दर्ज की गई और आगे कार्रवाई की जाएगी।
दीपावली के दो दिन बाद भगवान चित्रगुप्त भगवान की आराधना की जाती है, जिसको लेकर दरभंगा जिले में चित्रगुप्त पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़े बड़े पंडाल बनाकर मूर्तियां स्थापित करके चित्रांश इस पूजा में भाग ले रहे हैं। मान्यता के मुताबिक महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी भगवान चित्रगुप्त की पूजा की थी और इसी से चित्रगुप्त खुश होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। ऐसी मान्यता है भगवान चित्रगुप्त धर्मराज की सभा में पृथ्वीवासियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त की पूजा करने से गरीबी और अशिक्षा दूर होती है। यही वह खास दिन होता है जब कायस्थ लोग लिखने और पढ़ने का काम नहीं करते। शुरुआत हुई और उस समय से ये लगातार जो है सारे चित्रांश है सम्मिलित होते हैं यहाँ पर समापन होता है, यानी कि चार दिन की ये और आज जो है कि 21 तारीख है, इससे पहले यानी कल जो है 20 तारीख को प्रोग्राम हुआ था। भाई बहन के प्रेम स्नेह का प्रतीक भरतूजिया दीपावली के जगमगाते पर्व के दो दिन बाद मनाया जाता है। मिथिला में इस पर्व को आज भी भरदुतिया के नाम से ही जाना जाता है। इस दिन चावलों को पीसकर एक लेप भाइयों के दोनों हाथों में लगाया जाता है और साथ ही सिंदूर लगाने की भी परंपरा है। सिंदूर और चावल का लेप चढ़े हाथों पर पान के 5 पत्ते सुपारी और चांदी का सिक्का रखा जाता है। इसके बाद बहन जल उड़ेलते हुए भाई की दीर्घायु होने के लिए मंत्र बोलती है। इस दिन भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं, इसे भैया दूज भी कहा जाता है। भैया दूज हम लोग के बहुत बड़ा पर्व है और हम लोग के मिथिला में सबसे बड़ा पर्व भैया दूज होता है भाई बहन का। और ये भैया दूज में अपने भाई के आयु के लिए मनोकामना करती है बहन, जो सदा आगे बढ़े और आयु बढ़े। भाई को आशीर्वाद देती है, ये हम लोगों का जो है सो बहुत परंपरा रूप से आस्था का एक प्रतीक है और भाई बहन का स्नेह इसमें बना रहता है और हमारी मंगल कामना के लिए बहन ये करती है। दीपावली की रात से ही काली पूजा की शुरुआत हो जाती है।
दरभंगा के सहित मधुबनी जिले में भी धूमधाम से काली पूजा मनाया जा रहा है। काली पूजा स्टार्टिंग है, बहुत सुंदर प्रोग्राम यहाँ होता है, बहुत शांति ढंग से होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ बाबू साहब झा, अध्यक्ष हैं, रंजीत कुमार झा सचिव है। तो सब इसकी तैयारी हम लोग एक महीने पूर्व से, दिवाली से एक महीने पूर्व से करने लगते हैं। इसकी तैयारी 18 तारीख से पूजा स्टार्ट हुआ था, 22 को इसकी समाप्ति होगी। रविवार संध्या बीच में डेली संध्या में आरती के बाद महाआरती का आयोजन किया गया। इसके बाद कल शाम को ओम प्रकाश के द्वारा जागरण किया गया और आज शाम 21 तारीख को ये पूजा झा के द्वारा जागरण किया जाएगा। हम लोग काली पूजा करने बहुत उत्साह पूर्वक जो है सो मिलजुल के जो है सो हर्षोल्लास से जो है सो करते आ रहे हैं, करते रहेंगे हाँ। और इस वर्ष जो है सो इस काली पूजा का 26वां वर्ष है। 1992 में इस काली पूजा का जो है सो ये हुआ था और इस बार 26वां वर्ष है इनका। काली पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो भक्त जैसे जिस कामना से जिस भावना से पूजा करते हैं उस भावना को भगवती पूर्ण करते हैं। जादृशी भावना तादृशी सिद्धिर भवती, जैसी भावना भक्तों की होती है उसी प्रकार से उनकी पूर्ण करते हैं। कामना पूर्ण जायते इति पूजा, पूजा शब्द का अर्थ होता है कामना की पूर्ति होना। जिस कामनाओं से भक्त पूजा करते हैं उस कामना को भगवती पूर्ण करते हैं। सर्वस्या धर्य देवी नारायण नमस्ते, मनुष्यों को दुख को हरने के लिए भगवती अवतार ली है और जो भक्त पूजा करते हैं उनके दुख को हरण करते हैं। मिथिला में तंत्र का प्रधान चल रहा है सब दिन से और तंत्र के माध्यम से काली जी का जो यहाँ सब दिन से हम लोग भगवती के उपासक रहे हैं और इसलिए काली पूजा का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ हम लोग वैदिक रूप से पूजा करते आते हैं। तंत्र साधना में उनकी आवश्यकता पड़ती है और रक्त जी जैसे राक्षस को संहार किए हैं इसलिए मिथिला में इनका प्रधानता है। भगवती शक्ति के उपासक हम लोग हैं इसलिए इनकी पूजा हम लोग मनाते हैं। क्या दब हुआ? हाँ सत्यदेव झा। गुप्त दान ही महाकल्याण है। पूरी कर देती है इसीलिए कुछ पल निकाल के माँ जगत जननी काली के दरबार में आवे और माँ जगत जननी काली का दर्शन करे। पुण्य के भागी बने। ये 2009 से लेकर के आज तक अभी तक
और आने वाले भविष्य में हम लोग पूजा करते हैं और जितना भावना से सगों के लिए यानी मनोरंजन का व्यवस्था करते हैं पूर्ण रूप से हम लोग इच्छुक रहते हैं पूजा करने के लिए और आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। दीपावली से लेकर के 5 दिन तक हम लोग लगातार पूजा करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, मनोरंजन करते हैं, बहुत सारे करते रहते हैं हम लोग। क्या कार्यक्रम करते हैं दर्शक मनोरंजन के लिए? सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, मिथिलांचल का जो है अपना वही करते हैं, जागरण उगरण वगैरह। छठवां दिन विसर्जन होता है? छठवां दिन विसर्जन होता है। छठ भरतिया से कितना लागी।